तो भाई आ गए अब अंदर चिड़िया घर के, देखते हैं और दिखाता हूँ क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या बदला है क्या नहीं। ये बराबर में ही किला है और देखते हैं क्या 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 होता है। बहुत टाइम लग गया और दिखाता हूँ दिल्ली जू, चिल्ला के दिखा दे मेरे शेर। भाई जिंदगी में पहली बार सामने से शेर देख रहा हूँ, नहीं तो साले स्कूल वाले आधे रास्ते से भगा के ले जाया करते। ये थोड़ी सी राख पे चोट लगी है, क्या रहे जुखाम वगैरह की वजह से हो गया। और साइड में दिखाता हूँ फुहारे वगैरह। बगल में बैठा अक्षय कुमार वाला सीन ना हो जाए, मुंह पे थप्पड़ मार के फोन छीन जाए। बगल से जा रहा हूँ बिल्कुल, कभी बहन का लोड़ा झपेट ही जाए। अरे भैया क्या देख लिया मैंने, पोलियो मार गया क्या इसको? नो 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 नो, इससे मोटी तो हमारे घर में बिल्ली है। ये देखो, ये देख नहीं रहा भाई, अब देखेगा। भाई ये नहीं देख रहा, मुझे लग रहा है नाराज है, शायद इसकी गर्लफ्रेंड खड़ी है परली साइड में। कोई नहीं भाई, ओहो बंदर मामा, जय हो बंकी मामा की। भग गया तो भाई, देख के हमें डर गया, तो पता चल गया इसे नदीम भाई आ गया। अकेले ही है भाई, इसकी बंदी नहीं है, मुझे लग रहा है इस वजह से ऐसा कर रहा है। अकेलापन इसको भी पता है क्या होता है। बगल में दिख रहा होगा आपको पुराने किले की दीवार है, इसका भी ब्लॉग बनाऊंगा मैं, जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा ब्लॉग बनाने की। फिलहाल अभी तो आप चिड़ियाघर के जानवरों का मजा लीजिए। और ये देखो आसमान में कितनी सारी चीजें उड़ रही है भाई, बहुत सारी। और ये बंदर के मम्मी पापा, और मैं इनकी वीडियो बनाने वाला। बंदर के अलावा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ओ बंदर घास खा रहा है, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो क्या खाएगा। भैया ये शेर हाथी किधर मिलेंगे देखने के लिए? हाँ सीधे भाई साहब, शेर हाथी पूछने के लिए भी ना पूछना पड़ रहा है मेरे को। बोल रहे मैं, चलो ठीक है देखते हैं। तेरी क्या क्या नाम है जानवरों के? मेरे को तो चार पांच जानवर के नाम है, शेर कुत्ता बिल्ली चूहा कुत्ता, और हम तो वही जानते हैं। हाँ गाय भैंस पड़े वहाँ पे। लो भाई साइड में घास फूस ही खाओ बेटा, तुम सरकार इतने पैसे ले लेगी टिकट के, लेकिन तुम्हें कुछ अच्छा खाना पीना नहीं देगी। देख लो भाई सांभर, ये है इडली सांभर, नाम भी ऐसे ऐसे है ना जापानी से। देखते हैं गेंडा कैसा है भाई, सुना है मैंने उसने सिक्स पैक बना रखे है भाई। का लो भाई जूम करके दिखाते हैं उनके पिछवाड़े की सिक्स पैक। नो 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 नो, गेंडा एक नर एक मादा। ये मजे आ रहे हैं भाई इसे तो। बस 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 बस, अभी तक तो भाई ना हाथी देखने को मिला, ना शेर देखने को मिला, बंदर मिल रहे हैं, ये कुत्ते बिल्ली मिल रहे हैं देखने के लिए।
ना मगरमच्छ मिला, ऐसे घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, टाइम हो जाएगा फिर गार्ड बाहर निकालेगा, चल भाई बाहर निकल यहाँ से, 100 रुपये वेस्ट हो जाएंगे टिकट के। ये भालू है ब्लैक वाला, जूम करके दिखाता हूँ फिर लेफ्ट वाले कैमरे से दिखाऊंगा, दिखा हाँ, इसमें थोड़ा फोकस मार देते हैं। हाँ अरे मामा बहुत क्रीम पाउडर लगा रहा है, दिखा भाई या लड़का, चलो भाई मिल गया हाथी, दिख रहा हो तो हाथी मेरा साथी, मूवी तो देखी होगी, अब मेरे साथ ये ब्लॉग में देख लो, शायद ही किसी ने ब्लॉग में इतना कुछ दिखाया होगा जितना मैं दिखा रहा हूँ। ये पेड़ वगैरह तोड़ेगा रे, संभाल लो इसको, ये भाई बाहर पूरा इसे ट्रेन किया हुआ है तभी ऐसे कर रहा है, क्योंकि जो ट्रेन आदमी है वो सामने बैठा हुआ है, दिख रहा होगा फोकस में, इस वजह से क्या नाम है कुछ फालतू चीज़ें नहीं करती, अपना जैसे सिखाया गया है जैसे सरकार का हाथी होता है वैसे ही आती है, नहीं तो जंगली हाथी होता भी तोड़ फोड़ के भाग जाता है यहाँ से, जो किसी की सुनता नहीं हो।